नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन लोग प्रश्नावली 2.2 तक खत्म कर चुके थे। अब फिलहाल बात करते हैं प्रश्नावली 2.3, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज आने वाली है बीजगणित को भाग। जो विद्यार्थी नहीं जानते उसको बिल्कुल निश्चित रूप से सीख लें, 10वीं क्लास में बहुत काम आने वाली चीज है, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9 मैथ, मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नावली 2.3, ठीक है सर। तो अपन लोग बात कर रहे साहब, इसके अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं बात के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में अपने को एफ एक्स दिया हुआ है, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है सर। क्या है एक्स क्यू, शेषफल प्रमेय का भी अपन लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ अपन लोग भाग देके ही निकालने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है x प्लस 1। अपन लोग x प्लस 1 से इसके अंदर भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए बस अंदर तो लिखना है ये कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पे आप लोग गौर फरमाना। मेरी पे शर्तें आपको क्लियर हो गई तो भाग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये निश्चित है। इसका भाग इसमें देना है तो इसको यहाँ पे लिखें, यहाँ पे मैं पीछे लिख देता हूँ रफ कार्य, ये रफ कार्य है भी, ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे पहला काम क्या करना, फर्स्ट इन फर्स्ट, पहले का पहले में भाग, एक्स क्यू में भाग एक्स कर दिया। तो आप लोग समझते हो ना, भाग में घाते घटती हैं, तो भाग में घात घटेगी, 3 - 1 तो बोले तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर क्यों आया ना, इसको बस इसकी खोपड़ी पे लिख दो, बस इसका गुणा इन दोनों से करना है, इससे भी और इससे भी, बस दोनों से करना है, एक से भी करना है और इससे भी करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करूंगा, एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करूंगा, एक्स से, तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो एक्स की घात कितनी होगी 3, ये होगी एक्स की घात 3। एक्स स्क्वायर का गुणा एक से किया तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक से किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखना वही घटाने पर, ठीक है सर। घटाने पर क्या चिन्ह बदलेगा, ये माइनस माइनस पहला कटेगा निश्चित है। 3x² में से 1x² गए, कितने बच्चे भैया 2x², आगे से उतार लेंगे पूरा ऐसे ही, वापस वही प्रक्रिया फिर रिपीट हो रही है, ध्यान देना, पहले का पहले में भाग, 2x² में एक्स का, तो 1x कट गया, एक्स तुम्हारा 2x है, बचा क्या 2x, जो भी आंसर आया वो यहाँ लिख देना है। इसका गुणा दोनों से, इससे भी और इससे भी, तो ध्यान दे 2x का गुणा एक्स से करूं तो क्या हो गया 2x² जो आया वो लिख दिया था 2x², 2x का गुणा एक से किया तो क्या आ गया भैया 2x, और यहाँ लिख दिया, इधर वही लिखते अपन लोग घटाने पर, घटाएंगे ये माइनस कैंसिल हो गया, 3x में से 2x गया तो क्या बचा था माइनस, सॉरी प्लस का x प्लस 1, वापस x का x में भाग दिया मैंने, कट के क्या आ गया 1, जो आया वहाँ यहाँ 1 का गुणा दोनों से, 1 का गुणा करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, x आ गया 1 का गुणा किया 1 आ गया, यहाँ वही लिखेंगे सब घटाने पर, ठीक है। ये माइनस दोनों कट गए, आंसर क्या है 0, तो इसने पूछा इसका शेषफल क्या था, शेषफल आएगा इसका था क्या 0 आंसर। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है ना, इतनी बात यदि समझ आ गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लो चले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया पहले का, पहले के सेकंड पे मैं बात करूं, सेकंड क्या है, पहले का सेकंड मिसप्रिंट है भैया, है ना। तो आप लोग सेल्फ इसके अंदर चर्चा कर लेना, जब आपको मिल जाए तो उसके बाद मेरे को बता देना कमेंट के माध्यम से, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा सही, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसके थर्ड क्वेश्चन पे, इसका थर्ड क्या है, थर्ड में ओनली एक्स दिया हुआ है, एक्स का भाग देना है भैया, एक्स का यदि मेरे को भाग देना है इसके अंदर तो सिंपल सी बात है साहब, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एक्स का भाग देना है, एक्स का भाग इसमें दिया कितने बार गया x², x² गुणा इससे करूँ एक्स क्यूब कट गया था, फिर उतारा साहब 3x², 3x² में इसका भाग दिया कितने बार गया 3x गुणा इससे करूँ 3x², ये भी कैंसिल, सिंपल सी बात है। उसके बाद में 3x, ठीक है सर, 3x के अंदर इसका मैंने भाग दिया है ना, तो क्या गया 3 बार, तो 3x हो गया, ये भी कट गया, बच्चा एक एक में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या हो गया इसका शेषफल। कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है, इजी है, ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी क्वेश्चन समझ में कम आते, कोई दिक्कत आए तो मेरे को जरूर बता, हो सकता है आपको कम समझ पड़ा हो, ठीक है ना। आप अपना स्वयं का दिमाग लगाना, कुछ नहीं है, एक्स का भाग देने का मतलब ये है, आप उसे यहाँ समझ लो आप लोग, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1,
तो यहां मैं एक्स का भाग भाग देने का मतलब सब में अलग अलग कर दो, एक बटे एक्स, इसमें से एक एक्स कट गया एक्स स्क्वायर, इसमें से एक एक्स कट गया तीन एक्स, इसमें से एक एक्स कट गया प्लस तीन, इसमें भाग नहीं जाता इसलिए ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। बोलो यही था क्या, आई बात समझ में आई? वो अपने अपने तरीके हैं, वो कैसे भी अपन लोग तो इसको हैंडल कर सकते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं इसके फोर्थ थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की भी। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पहले का फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है एक्स प्लस फाइव, वही भाग देने चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, भाग दिया एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव का। ये मेरे पास में रफ्तार है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। एक्स क्यू में भाग एक्स का दिया, एक्स क्यू में भाग एक्स का दिया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया सर इसकी खोपड़ी को, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से किया एक्स क्यू, ठीक है सर। तो मेरे पास में क्या आ गया एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर गुणा फाइव से किया, क्या हो गया फाइव एक्स स्क्वायर, वही घटाने पड़ता हूँ, ये माइनस कटेगा, कट गया। इसमें से इसको घटाऊं मैं तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा तीन माइनस फाइव, इसी से क्या बचेगा तीन एक्स प्लस एट। अगली बात में गौर फरमाए, यदि मैंने भाग दिया तीन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर में एक्स का, एक एक्स कट गया, क्या आ गया तीन माइनस फाइव एक्स, बस तीन माइनस फाइव एक्स यहाँ लिख देंगे इसकी खोपड़ी, इसका गुणा एक्स से किया, इसका गुणा एक्स से किया, गौर फरमाना इसका गुणा यदि मैंने एक्स से किया तो क्या हो गया तीन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, इसका गुणा फाइव से किया, फाइव के अंदर गुणा कर देता हूँ तीन फाइव माइनस फाइव स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। वही घटाने पर भाई जोड़ घटा थोड़ा सा ढंग से कर लेना, ये माइनस है ना, और ये पहला घटेगा, इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो क्या हो गया तीन माइनस तीन फाइव माइनस फाइव स्क्वायर है ना इंटू एक्स प्लस एक। अब भाई पहले के पहले में एक्स से एक्स कट गया, बाद कितने बढ़ जाएगा तीन माइनस तीन फाइव माइनस फाइव स्क्वायर, इसका गुणा एक्स से किया तो तीन माइनस तीन फाइव माइनस फाइव स्क्वायर एक्स, और फाइव से किया तो वही हो गया साहब, ठीक है ना, प्लस फाइव का किया तीन फाइव, और तीन पाई से किया तीन पाई स्क्वायर, और पाई से किया तो माइनस पाई क्यूब, वही हिसाब यहाँ लिखेंगे अपन लोग घटाने पर, ठीक है। ये माइनस कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है सर, ये प्लस का, तो यहाँ देखें तो मेरे पास में क्या बचा नीचे, माइनस का तो तीन पाई और प्लस का तीन पाई स्क्वायर, प्लस का पाई क्यूब और प्लस एक, ये मेरे पास समस्या क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग आराम से तसल्ली से कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ आराम से करें, ठीक है ना। आओ अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया, इसका एक फिफ्थ क्वेश्चन और है उससे भी अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन बता दिए चलो कोई नहीं दोबारा से लिख लेंगे। पहला क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते पहले एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है उसके अंदर जो डिवाइड करना है, और डिवाइड क्या करना है पांच प्लस दो एक्स, ठीक है। अब मैं भाग देने के लिए वही प्रक्रिया अपनाता हूँ, भाग देने की एक ही प्रक्रिया, एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एट, यहाँ अपने को क्या करना है दो एक्स प्लस पांच, ठीक है साहब। फिर वही अपन लोग यहाँ पे रफ्तार रेस बनाएंगे, रफ्तार रेस, ठीक है। रफ्तार रेस में क्या करेंगे, पहले में पहले का भाग एक्स क्यूब में भाग दिया दो एक्स, है ना, तो क्या हो गया संख्या तो एक बटा दो रह गई, तीन एक्स में से एक एक्स गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया एक बटे दो एक्स स्क्वायर, ठीक है साहब।
इसका गुणा इसके साथ करूं, ध्यान देना, इसका गुणा इसके साथ भाई, 2x के साथ में 1/2 एक्स स्क्वायर का गुणा करूं, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया x, लिख दिया। 5 के साथ में यदि मैं गुणा करूं 1/2 एक्स स्क्वायर का, क्या हो जाएगा 5/2 एक्स स्क्वायर, 5/2 एक्स स्क्वायर, यहां वही घटाने पर माइनस माइनस कट गया। यहां आगे मैं बात करूं तो मेरे पास में इसको इसमें से घटाओ, सब क्या बचा सब 3 -5/2, संख्या में संख्या घटा दो बस, कैसे घटाएंगे ध्यान, डायरेक्ट घटाना बता रहा हूं, 3 दुनी 6, 6 में से 5 गया तो 1, क्या बचा 1/2 एक्स स्क्वायर, पीछे लगा तो क्या बच गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब फिर वही 2x का भाग देने वाला हूं मैं, 1/2 एक्स स्क्वायर में भाग दिया मैंने 2x का, 1x कट गया, ये यहाँ जाके क्या हो गया 1/4x, तो मैं लिख देता हूँ 1/4x, इसका गुणा इससे करूंगा तो यही आ जाएगा भैया 1/2 एक्स स्क्वायर, इससे गुणा इससे किया तो क्या हो गया 5/4x, वही घटाने पर था ये माइनस कट गया। 3 में से अपन लोगों को क्या घटाना 5/4, 3 -5/4, अब क्या करेंगे सब, 3 4 12, 12 में से 5 गए तो 7, 7/4, तो इसका आंसर क्या आ जाना है सब 7/4, ठीक है ना, एक्स प्लस 2, एक्स का भाग तो एक्स कट गया, यहाँ क्या हो गया 7/4, 7/4 का गुणा 2 से करूँ है ना, तो 2 और 7/8 आ जाएगा, सॉरी 7/8 2 से गुणा करो 2 कट जाएगा, क्या हो गया 7/4 एक्स, 5 से गुणा करूँ 7×5 है ना 8, ठीक है, ये पहले वाला वही घटाने पर कटेगा। अब इधर मैं बात करूँ तो इधर मेरे पास में क्या है, 2 में से घटाना है, क्या घटाना 35/8, तो मैं बात कर रहा हूँ ध्यान देना, 8 × 16, 16 में से 35 गया तो क्या बचा था 19 19/8, तो इसका क्या बचेगा नीचे शेषफल, माइनस का 19/8, ये क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा भैया, शेषफल यही पूछा है ना उसने, है ना। अब इससे आगे ये तो रही भाग की प्रक्रिया, भैया घबराना नहीं है, भाग नहीं होता है तो शेषफल प्रक्रिया से इन क्वेश्चनों को अपन लोग कर सकते हैं। अब शेषफल प्रक्रिया का मैं प्रयोग करूंगा भैया इसके बाद में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ मैंने भाग भाग देना आपको सिखा दिया, जितना मेरे को करना था मैं कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए साहब क्या है, x³ - ax² + 6x - a, देखो इसमें x माइनस ए का भाग देने पर अपने को शेषफल याद करना, लेकिन अब ध्यान रखें मैं शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय इस भाग को बड़ा ही सरल बना देती है। शेषफल प्रमेय क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को करना क्या है एक्स माइनस ए बराबर रखना 0, तो x बराबर क्या हो गया a, अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे a छोड़ दो आपका आंसर आ जाना है, तो आप ध्यान देना, x जगह पे a लगाऊं घात 3 माइनस a, x जगह पे a लगाऊं घात 2 माइनस 6 सॉरी प्लस 6 a माइनस a, ठीक है सर, सॉल्व करता हूँ ए क्यूब गुणा करूंगा, गुणा में घात जुड़ेगी, ए क्यूब प्लस का 6 a माइनस a कैंसिल हो गया, 6 a में से 1 a गया तो क्या बचा 5, ये इसका क्या हो गया भैया आंसर, बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भैया। इसी प्रकार से शेषफल प्रमेय से बड़ा सरल है, भाग दे के आप शेषफल निकालते, बड़े लंबा अब तक निकाल रहे थे बड़े कठिन, ऐसे ही उनमें एक्स की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देना आंसर आपके आ जाएंगे कटाखट एक बार में, ये इसका शेषफल है, क्या है भैया शेषफल है। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, बिल्कुल शेषफल प्रमेय से ही करूंगा उसको भी, और ध्यान रखना शेषफल प्रमेय ये कहती है कि ये कह रहा है कि जांच कीजिए 7 - 3 7 + 3x क्या है 3x² + 7x का गुणनखंड है कि नहीं है, 3x² है 3x³ है प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं है ये अपने को जांच करना है। तो सिंपल सी बात भाई साहब, सिंपल सी बात ये है कि इसका भाग इसमें देंगे, शेषफल शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, मतलब इसको संतुष्ट किया,
जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो कहने का मतलब शेषफल चेक करना, शेषफल चेक करने का तो भाग से दूसरा भी तरीका है, वो तरीका क्या है इसको, 7 + 3x = 0, 7 इधर गया -7x - 7/3, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, 3 x जी के -7/3 का क्यूब प्लस 7 x जी के -7/3, समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया 3 क्यूब यदि मैं करता हूँ तो मेरे पास में क्या हो गया 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7 तीन बार करना है, ठीक है साहब। तो 7 × 7 = 7 तीन बार करना, 749 और 343 बटे 3 × 3 बार करना, 3 × 9 9 × 3 कर दो, 3 × 3 काट दो, है ना। प्लस वो कैलकुलेशन 749 माइनस हो गया बटे 3, आप लोग यहाँ देख सकते हो मेरे पास कितना हो गया माइनस का 343 बटे 9। आप जोड़ घटाव भी ना करें तो आप देख सकते हो जीरो नहीं आ रहा है, अतः गुणनखंड नहीं है। जीरो आता तो गुणनखंड होता ना, माइनस माइनस जुड़ेगी कट कैसे जाएंगे वही सब, है ना, अतः गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। इस प्रकार से आप लोगों की तरफ में जो प्रश्नावली है 2.3 खत्म होती है। अपन लोग आप लोग साथ बने रहें, पढ़ते रहें साथ में, कॉपी पेन लेकर के सारे क्वेश्चन करते रहें और वीडियो को रोक करके बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।